हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर अगर दोस्तों आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में है। तो इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। कई लोगों का क्या होता है कि जैसे ही ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उन्नति सेविंग अकाउंट आप सभी ने ओपन किया होगा, मैंने आपको हर एक वीडियो उसका बना के दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों का क्या हो रहा है कि एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका एटीएम कार्ड आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण हो सकता है, इसकी सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको यहाँ पर लाइव प्रोसेस आपके सामने ही यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस नंबर को यहां पर डायल करना होगा। तो हम यहां पर इसको डायल करके आपको यहां पर लाइव बता देते हैं कस्टमर केयर से बात करके कि एटीएम कार्ड रिसीव क्यों नहीं हो रहा। तो सारी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको यहां पर कॉल लगा लेते हैं। बोल रहे सर, जो हमारे दोस्त ने एक पीएनबी वन उन्नति से बैंक अकाउंट ओपन किया था ऑनलाइन, सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूँ मैं आपको। तो वो अकाउंट ओपन किए कम से कम उसको एक महीने हो गया है, उसका अकाउंट नंबर मिल गया और एटीएम कार्ड उसे रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या कार्ड हो सकता है उसका सर? किस कारण से रिसीव नहीं हुआ है जानकारी ब्रांच से मिल पाती है? नहीं तो ब्रांच गए, बोल रहे हैं सब कोई एटीएम कार्ड नहीं आया आपका, और ऑनलाइन किया था तो यहाँ नहीं आया कुछ भी। जानकारी देना चाहूंगा इस संदर्भ में, जो डेबिट कार्ड इशू लेट जो हो रहे हैं जी, किस कारण से जानकारी प्रोवाइड करता हूँ मैं आपको। आपको जी समय दीजिएगा सर, जानकारी जो डेबिट कार्ड में चिप अपडेट होते हैं। जी जी, चिप लगे होते हैं, चिप का शॉर्टेज होने के कारण ये इश्यूज आ रहे हैं। तो सर जी, चिप शॉर्टेज है जो, वो कब तक सॉल्व हो जाएगी? वो कंफर्मेशन करने में तो असमर्थ हूँ। अच्छा सर, जल्द से रिजोल्यूशन होगा सर, किया जाएगा। नहीं तो सर, लॉन्ग टर्म से चल रहा है, मतलब बहुत टाइम हो गया है इसको, मतलब किसी का भी एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्या आ रही है लोगों को। तो इतनी बड़ी बैंक का अगर इतना बड़ा इशू चलता रहेगा तो कैसे चलेगा सर, कोई कस्टमर भी परेशान है। आपके इशू देखो, उसकी कंफर्मेशन तो यहाँ से अपडेट करने में तो ब्रांच से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी आपको। ब्रांच आपके कॉल अरेंज कर दी गई है, जल्द से कॉल बैक आएगी आपको। नहीं तो सर, ब्रांच वाले तो सुनते ही नहीं है, वो तो समझते प्रधानमंत्री अपने आप को, तो ऐसा थोड़ी होता है। ये तो निवेदन रहेगा सर, मैं आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी है जी, dear@pnb.co.in, इस पे मेल कीजिएगा आप जी। डेबिट कार्ड से रिलेटेड इस पे मेल कीजिएगा, बेहतर फायदा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग करने के लिए धन्यवाद आपका, नहीं शुभ हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से एटीएम कार्ड रिसीव नहीं हो रहे हैं, जो चिप का शॉर्टेज आ गया है, जो एटीएम में चिप लगी होती है वह चिप नहीं मिल पा रही है, इस कारण से एटीएम कार्ड भी इशू नहीं किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे यह सॉल्यूशन भी निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने यहाँ पर लाइव बता दिया है, तो दोस्तों इसी कारण से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपके एटीएम कार्ड कुछ दिनों बाद आने लगेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर।